iPhone 8 Plus डिटेल कैमरा टेस्ट इन 2024। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की तरफ से कि भाई 8 Plus का कैमरा टेस्ट लाया जाए। 2024 में से आप व्लॉगिंग किस तरह की कर सकते हो, इसके साथ आप पोर्ट्रेट किस तरह के ले सकते हो, या फिर आप इसके साथ नॉर्मल वीडियोग्राफी किस तरह की कर सकते हो। अगर आप वीडियोग्राफी नहीं देखना चाहते तो वीडियो को आगे स्किप करके पोर्ट्रेट एंड फोटोग्राफी भी जाकर देख सकते हो। तो आ जाइए इसके कैमरा सैंपल की तरफ। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग HD 60fps के ऊपर हो रही है, 1080p 60fps के ऊपर, जहाँ पे हमें अच्छी बात ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रेम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। और एक बार मैं आपको ह्यूमन ऑब्जेक्ट की डिटेल भी दिखा देता हूँ कि किस तरह की देखने को मिलती है। तो ओवरऑल फुली नेचुरल स्किन ट्यून देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ये स्किन ट्यून को हल्का सा डार्क ज़रूर कर देता है। आजकल के आईफोन ऐसा नहीं करते, ये थोड़ा पुराना मॉडल हो गया, तो तब बिल्कुल ही नेचुरल ट्यून देखने को मिलती थी। और मैं इस टाइम चल रहा हूँ तो आपको इसकी स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें किस तरह की देखने को मिलती है। और एक बार मैं आपको फोकस भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली लोग इस तरह की स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ना इसके अंदर 1080p 60fps यूज़ करते हैं। और एक बार फोकस देख लीजिए, यहाँ मैंने लेंस पे फोकस किया, बैक साइड पे शिफ्ट कर दिया, लेंस पे फोकस किया तो बहुत ही स्मूथ फोकस देखने को मिलता है। और 1080p 60fps के ऊपर इसकी जो हमें जूम देखने को मिलती है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6x तक है, लेकिन जूम करने के बाद वीडियो काफ़ी ज़्यादा शेक कर रही है 1080p के ऊपर भी। तो मेरे ख्याल में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये वाला फ़ोन स्टिल अब 2024 में कोई दी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। मैं इसको इतना ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता। एक तो इसकी कलर साइज अब बहुत पुरानी है, और उसके साथ साथ इसमें वीडियो हमें शेक भी हल्की सी करती हुई ज़रूर देखने को मिलती है। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 60fps के ऊपर हो रही है, जो कि 8 प्लस मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शेडो एरिया उनको ज़्यादा ही ब्लैक ले रहा है, और बाकी आप ऊपर पेड़ वगैरह के ऊपर भी डिटेल आप देख सकते हैं कि हार्श लाइट एक साइड से आ रही है, और यहाँ पे जहाँ पे शेडो एरिया है उन साइड को बहुत ज़्यादा डल कर रहा है। और एक बार मैं आपको ह्यूमन ऑब्जेक्ट की डिटेल भी दिखा देता हूँ कि कैसे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा टाइम लिया इसने फोकस करने में, लेकिन बहुत ज़्यादा डल कर रहा है फेस की डिटेल को भी, और बैक साइड से HDR भी को इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा। और एक बार मैं आपको चल के इनका स्मूथनेस भी दिखा देता हूँ कि दोनों में से हमें स्टेबलाइजेशन भी दिखा देता हूँ कि हमें कितनी स्टेबल वीडियो देखने को मिलती है 8 प्लस की। तो यहाँ पे मैं चल रहा हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कितनी स्टेबल वीडियो देखने को मिलती है 1080p 60fps के ऊपर। और एक बार मैं आपको इसका फोकस भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि हमें दोनों में से फोकस किसका अच्छा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने फोकस किया, बैक साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो फोकस ऑलमोस्ट हमें काफ़ी फास्ट देखने को मिलता है। तो 4K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को तो मिलती है आपको, लेकिन एडिट करने के बाद ही आप यूज़ कर पाओगे, नॉर्मल वीडियोग्राफी में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह का डर देखने को मिलता है 4K के ऊपर। अब इसमें पोर्ट्रेट मोड की बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली पिक्चर इसने बिल्कुल ही ब्लॉन आउट कर दी, वहीं पे नेक्स्ट पिक्चर में इसने ठीक से अच्छे से काम किया, बैक साइड से HDR भी अच्छे से काम कर रहा था। फिर मैंने ये वाली पिक्चर क्लिक की तो यहाँ पे भी बैक साइड से ब्लॉन आउट कर दी हर चीज़, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज कर गया था। तो कुछ पिक्चर में ये ओवर एक्सपोज कर रहा था, और कुछ पिक्चर में इसके HDR अच्छा काम कर रहा था कि डायनेमिक रेंज हमें अच्छी देखने को मिल रही थी। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि डायनेमिक रेंज नाम की कोई चीज़ ही देखने को नहीं मिल रही थी। पोर्ट्रेट मोड में इस फोन की इमेज क्वालिटी को इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी जिससे मैं इसको रेकमेंड कर सकूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं HDR भी अच्छा काम किया, एज डिटेक्शन भी ठीक देखने को मिल गया। वहीं पे सेम इस पिक्चर में फिर से बैक साइड को बहुत ओवर ब्राइट कर गया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वेल मेंटेन पिक्चर आई है, HDR भी अच्छा काम किया, और ब्लर भी बड़े अच्छे से आया इस फोन का। यहां पे भी इसने अच्छे से काम किया था जहां मैंने लीव्स को पकड़ा हुआ था, तो ओवरऑल एज डिटेक्शन मुझे अच्छी देखने को मिल गया है। हाँ, अगर आप एक अच्छे एडिटर हो तो इसकी पिक्चर को आप अच्छे से एडिट कर सकते हो। अब अगर नॉर्मल फोटोग्राफी की बात करते हैं तो नॉर्मल फोटोग्राफी में यह वाला फोन मुझे कोई इतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा, क्योंकि इसकी पिक्चर मुझे काफी ज्यादा डल साइड पर देखने को मिल रही थी। हाँ, अगर आप बाद में एडिट कर लेते हो तो शायद आप इससे अच्छे रिजल्ट निकाल लो, लेकिन इसका जो शेडो एरिया है उसको ये कुछ ज्यादा ही डार्क कर जाता है, जो कि जरूरत से ज्यादा डार्क फील होता है। और बाकी HDR वगैरह नॉर्मल फोटोग्राफी में मुझे ठीक देखने को मिला है, शार्पनेस भी ठीक थी। हाँ, पुराना फोन है तो उस लिहाज से इसका 12 MP के कैमरे की हल्की सी डिटेल मुझे जरूर कम देखने को मिली है, लेकिन वो इतनी कम नहीं थी कि मैं उससे कोई शिकायत कर सकूं। मुझे ओवरऑल रिजल्ट इसका ऑलमोस्ट अच्छा ही देखने को मिला है, लेकिन ये है कि अगर आप क्लोजअप की बात करते हो तो क्लोजअप में इसने फिर से वही मसला कि जो शेडो एरिया था उसको ज्यादा ही डार्क कर रहा था। जहां पे जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ऊपर से हार्श लाइट आ रही थी तो शेडो एरिया को बहुत डार्क कर रहा था, जिसकी वजह से पिक्चर इतनी आई प्लेजिंग नहीं लगती, क्योंकि 2024 है तो इसमें हमें थोड़ी सी ज्यादा बूस्टेड कलर वाली पिक्चर चाहिए होती है, जो कि रेडी टू यूज हो, हम सोशल मीडिया पर इजिली यूज कर सकें। तो इसमें मुझे इस तरह की पिक्चर देखने को नहीं मिली। तो सिंपल सा कंक्लूजन है कि अगर आप इसको फोटोग्राफी के लिए बाय करने का सोच रहे हो तो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा अच्छे से रेकमेंड भी नहीं करने वाला आपको, क्योंकि इसकी पिक्चर मुझे कोई इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई जिनकी बेस पे मैं ये कह सकूं कि ये 2024 के अंदर एक कैमरा फ़ोन है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसी प्राइस में हमें iPhone SE भी देखने को मिलता है, आप उसको जाके कंसिडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल के फ्रंट कैमरा की। तो सबसे पहले आपको मैं एक बार इसकी फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ।
ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग इसके फ्रंट कैमरा से हो रही है, मैक्सिमम HD 30 FPS तक रिकॉर्ड करता है। और आप देख सकते हैं कि बैक साइड से डायनेमिक रेंज की एंड कर दी हुई है इसने, बिल्कुल ब्लॉन आउट कर दिया हुआ है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो फ्रंट कैमरा से तो बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं रखनी, खास तौर पे आपने वीडियोग्राफी को लेके। और इस टाइम मैं चल रहा हूँ और फ्रेम शिफ्ट वगैरह आप देख सकते हो 30 FPS पे जैसे होते हैं वैसे ही हैं, फ्रेम स्किप नहीं करता आईफोन, ये अच्छी बात है। लेकिन स्टेबिलाइजेशन भी कोई इतनी खास देखने को नहीं मिल रही, तो फ्रंट कैमरा के लिहाज से तो बिल्कुल उम्मीदें छोड़ ही दें इससे। ना तो हम पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हैं फ्रंट कैमरा में और ना ही हम कोई अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सिर्फ वीडियो कॉल वगैरह के लिए आप फ्रंट कैमरा को ज़रूर यूज़ कर सकते हो। डिटेल कैमरा सैंपल देख के आपने आईफोन 8 प्लस के, मेरे ख्याल में 2024 में ये वाला फ़ोन मैं कोई हार्डली कैमरे के लिए रेकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर आपको एप्पल वाला शशका चाहिए तो आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हो और स्पीड भी आपको ऑलमोस्ट ठीक देखने को मिलती है फ़ोन की। लेकिन ये याद रहे कि ये एक कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं रहा, आप इसी प्राइस में हमें SE देखने को मिल जाता है, वो इससे ज़्यादा अच्छी फोटो प्रोवाइड करता है। या फिर थोड़ा सा पैसा और डाल के आप iPhone XR ले सकते हो या फिर आप iPhone XS ले सकते हो। ना आपने iPhone XR बाय करना है और ना ही आपने iPhone 8 प्लस बाय करना है, इनकी कैमरा साइंस मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगती। हाँ, अगर आप थोड़े से और पैसा बचा के iPhone 7 प्लस ले लो तो भी आपको कुछ ऐसा ही कैमरा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो मेरे नहीं ख्याल कि आपको 2024 में कैमरास के लिए iPhone 8 प्लस के ऊपर अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। बाकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। अब अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।